लिंग प्राप्त होने के समाचार से एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूँ। देश का हर शिव भक्त खुश है। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले, उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूँ। इस समाचार की खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। 1991 देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जब सरकार होती थी तो वह ऐसे ही कानून बनाती थी या ऐसे ही एक्ट लाती थी जिससे इस प्रकार के विषय को बढ़ावा देने का काम किया जाए, इस प्रकार के विवाद कैसे रोके जाए। माननीय न्यायालय को आदेश नहीं था, जो तमाम श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जो समय हो रहा था तो उस आंदोलन को छोड़ करके बाकी में आंदोलन न किए, या आंदोलन के आधार पर वहाँ पर शिवलिंग प्रकट नहीं हुए हैं। ये माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और मुकदमे के दौरान माननीय न्यायालय के आदेश से सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ बाबा विश्वनाथ जी मिल गए हैं और हम सब खुशी से झूम रहे हैं। और जो मुस्लिम पक्ष या अन्य कोई तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो बयानबाजी से बाहर जाएं। उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा है, सब लोग खुश हैं, सच सामने आया है और सच सामने आने के बाद माननीय न्यायालय जो आदेश देगा, मुझे लगता है कि हम सरकार के रूप में ये कह सकते हैं कि आदेश का पालन करेंगे और हर शिव भक्त इसका स्वागत करेगा। धन्यवाद।